स्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के आरक्षण की सूची 21 मार्च को जारी होने की संभावना है, जिसके संबंध में जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि पंचायत चुनाव के आरक्षण की नई सूची लगभग तैयार हो गई है और निर्देश मिलते ही 21 मार्च को सूची जारी कर दी जाएगी। DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि आरक्षण सूची को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर होने की सूचना प्राप्त हुई है, लेकिन शासन से कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि आरक्षण सूची पर जिला अधिकारी के हस्ताक्षर के बाद 21 मार्च को दोपहर तक आरक्षण की अंतरिम सूची जारी कर दी जाएगी। उसके बाद आरक्षण की सूची पर 23 और 24 मार्च को आपत्ति दाखिल की जा सकती है। उसके बाद आपत्तियों का निस्तारण कर अंतिम सूची जारी की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, ये तमाम तरह की अफवाहें चल रही थी कि आज पंचायत चुनाव के बारे में, इसमें सब क्या है? नहीं, जो अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल हुआ होगा तो उससे अभी हमारे पास हमें कोई इससे मतलब इसलिए नहीं है कि हमारे पास इसको लेकर के शासन की तरफ से कोई दिशा निर्देश जारी नहीं हुआ है। अभी के मुताबिक हमारा जो है सूची चकवा हो जाएगा, 20 से 22 तक की डेट है। हम कोशिश करेंगे कल सुबह तक या कल दोपहर तक इसकी सूची को, जो भी त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की सूची है आरक्षण की, उसको चकवा कर दें। ये आरक्षण की जो नई व्यवस्था है इसमें क्या प्रभाव पड़ रहा है? ऑब्वियसली चूंकि तरीका पहले 95 से 2015 तक का आरक्षण को हमें कंसिडर करना था, तो सिर्फ हम 2015 का आरक्षण को ले रहे हैं, उसके पूर्ववर्ती वर्षों का आरक्षण को नहीं लिया जाना है माननीय हाईकोर्ट के न्यायालय के निर्देश अनुसार। तो ऑब्वियसली इसमें परिवर्तन हो रहा है, पहले से निश्चित कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा।